जो सही तरीके से नॉट द बुक रिलीज बट द डिस्ट्रीब्यूशन इस को पूर्ण करने में 2 साल का वक्त लगा। इस किताब के जरिए मैं एक लाइन में अगर इस किताब के बारे में कहूँ तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये निर्माताओं की मार्गदर्शिता साबित हो सकती है। क्या बात है, दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज लाइन गाइस। वेल डन सर, मैं चाहता हूँ कि आप बुक्स के एक्सपीरियंसेस और ये सब तो आप शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे महान कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं, वो एक बार तुरंत से जल्दी से हमारे साथ विराजमान हो जाएं। मैं चाहता हूँ दिलीप जी एंड ऑफकोर्स विद देम सर आप एंड सुनील जी, आप प्लीज अंदर आ जाइए हमारे लॉबी में। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग। जिन्होंने दोनों ने मिलकर 2 साल में आज इसको हम सब तक पहुंचाया और अब ये पब्लिश हो चुकी है। जिन लोगों को भी ये बुक चाहिए वो अपने पास के स्टॉल पे जाके उनसे मांगे, नहीं तो सेनापति जी से कांटेक्ट रखे, उनसे मंगाएं और फिल्म लाइन में अपनी किस्मत चमकाएं। थैंक यू। यूएस में हॉलीवुड है, यूएस में हॉलीवुड है, तो बॉलीवुड के पास यूएस है। यूएस के पास अपने मोबाइल पे, जैसे यूएस के पास हॉलीवुड है, यूएस के पास हॉलीवुड है, हमारे बॉलीवुड के पास यूएस है। उदय सेना सेनापति, उदय सेनापति। और मुझे लगता है कि ये किताब हम जैसे प्रोड्यूसर्स को, जो इंस्पायरिंग प्रोड्यूसर है, नए प्रोड्यूसर है, बजट में फिल्म बनाते हैं, मिथिलेश जी सपोर्ट करते हैं नए कलाकारों को, तो ऐसे लोगों को और साथ साथ में एस्टेब्लिश लोगों को बहुत हेल्प करेगी। कैसे आपको फिल्म बनाना है, इसमें लिखा हुआ भी है, संपादक सिनेमा, क्षेत्रीय सिनेमा, फिल्म प्रोड्यूसर, निर्देशक, सबके लिए ये है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है आगे चल के बहुत काम करेगी। और ऐसी एक किताब पाकिस्तान को भी खरीदना चाहिए, पाकिस्तान टीम को खरीदना चाहिए,
कि कैसे जोश में खेला जाए, क्योंकि आपने देखा वो कल 16 तारीख थी, 16 तारीख को हमारे इंडिया की टीम ने ऐसा शोला बरसाया कि बारिश बरसने के बाद भी शोला ठंडा नहीं हो पाया। मतलब ये समझ लीजिए कि अपने बीजेपी जो है मोदी जी, चाय के कप वाली टीम तो जीत चुकी थी, अब वर्ल्ड कप वाली टीम भी जीतने की तैयारी में है। इससे ये साबित होता है, हमारे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, मैं उनकी जिक्र करना चाहता हूँ भाई, वो तो चाहते हैं, वो जानते हैं कि इंडिया की जो टीम है, क्रिकेट टीम, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। क्योंकि भैया वो पहले क्रिकेट टीम में रह चुके हैं, क्रिकेटर रह चुके हैं, उन्हें पता है इंडिया की टीम की ताकत क्या है। इसलिए कप्तान और कप को तानने का सपना नहीं देख सकते। पाकिस्तान का कप्तान जो है सिर्फ उपवास ही ले सकता है और उदास ही ले सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच ही नहीं है, क्यों इनका मैच होता है? और हारने का सबसे बड़ा कारण है उनके ड्रेस का कलर हरा। गवर्नमेंट ने उनको कलर हरा दिया, इसलिए उन्होंने अपना मैच हरा दिया। हमेशा मैं समझता हूं कि एवरग्रीन रहे, सदाबहार रहे और सदा हारते रहे। तो हमारे इंडिया की टीम को जीत की बहुत सारी शुभकामनाएं खुद के माध्यम से, कि आप हार गए कोई बात नहीं, भावनाओं को समझो और अगली बार कोशिश करो। मैदान तो नहीं मिलेगा, पूरे वर्ल्ड से कुछ दान मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आने वाली फिल्म है बिग बॉस के लिए भी इनकी तरफ से, सेनापति साहब की तरफ से बहुत सारी गिफ्ट, बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है। तो हमारे बिग बॉस के कुछ कलाकार तो यहीं ऑलरेडी है, रमेश गोयल साहब बैठे हुए, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग बैठे हैं। तो 19 जुलाई को आ रही है, आप जरा मीडिया वाले से निवेदन है कि सेनापति साहब तो हमें प्रमोट कर ही रहे हैं, आप भी हमें प्रमोट कीजिए। हम लोग गरीब प्रोड्यूसर है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम फिल्म इंडस्ट्री के अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। तो 19 जुलाई को जो फिल्म आ रही है बिग बॉस, इसे प्रमोट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी है तो हमारी फिल्म को थिएटर मिले और हमारी फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिले, ताकि हमारी फिल्म का हाल पाकिस्तान की टीम की तरह ना हो। सेनापति जी, आपसे एक सवाल इस बुक से, तो उनके स्रोत को ही बताया गया है, वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर कितनी शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, और वो कहाँ से पढ़ सकते हैं और किस किस ग्रेड से पढ़ सकते हैं? यस, एक तो मैं बेकार था, काम नहीं था, सबसे बड़ी सोच कारण वही है। तलाश थी काम की, काम मिल नहीं रहा था। उसी दरमियान मेरा एक मित्र आया जिसे मैंने फिल्म बनाने के लिए मना किया था कि तू मत बना, तू बना नहीं सकता है। 3.25 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कहानी फर्स्ट डे शूटिंग तक नहीं पहुंची, वो घर पहुंच गए। उनको देखकर मुझे और दया आई, दर्द भी हुआ, और उस दर्द के एहसास में ये किताब। देखिए, इस किताब के लिए पहली, इस किताब के ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, वक्त लगा मुझे फिल्म मेकिंग लिखने के लिए। फिल्म मेकिंग को कंप्लीट करने में मुझे 5 साल लगे, जो इंग्लिश में मैंने लिखी थी। उस किताब को कंप्लीट करने के बाद पब्लिक डिमांड पर मैंने हिंदी में लिखा, और उसमें जो त्रुटियां रह गई थी पढ़ने के बाद, जब कंप्लीट हो गई, लॉन्च हो गई, मार्केट में चली गई, उसके बाद जब रिव्यूज आए और कुछ किताब के हिस्से को मैंने फिर से पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि कई चीज़ें मैं छोड़ चुका हूँ। दी एंटायर प्रोडक्शन, यू हैव 23 सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर अपने आप में एक किताब लिखने लायक चैप्टर है। मुझे लगता है कि सिनेमा ग्लोबलाइज हो गया, पूरे देश में सिनेमा बन रहा है, अब वो रीजनल सिनेमा नहीं लग रहा है, हिंदी सिनेमा हो गया है, पूरा देश हिंदी सिनेमा हो गया है। वो एक जमाना था जब रीजनल सिनेमा की बात की जाती थी, अब जितने प्रोड्यूसर्स बाहर से बम्बई आते थे, वो अब वहीं ये किताब पढ़ के पूरी फिल्म मेकिंग को जान जाएंगे, जो कौन होते थे बम्बई आने के बाद, जो कई ऐसे लोगों से फंस जाते थे जहाँ उन्हें जानकारी ही नहीं होती थी कि किस तरह की फिल्म बनानी चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, कैसे फिल्म बनती है। वो सिर्फ पैसा होता था उनके पास, अब उनको ये जानकारी हो गई कि फिल्म कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है। वो ये किताब उनके लिए एक तरह से गीता की तरह काम में आएगी।
जरिए उदय जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बहुत नेक कदम है और एक इस बुक के जरिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है। बहुत से लोग जो मुंबई में नहीं हैं, जो बाहर हैं, दिल्ली में, बिहार में हैं, वो ये बुक को पढ़ के उनको एक अच्छा एक नॉलेज मिलेगा और उस बुक के जरिए मुंबई शहर में आएंगे, यहाँ पर उनको ऑलरेडी इसका इसकी जानकारी होगी तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और खास करके प्रमोद सिंह जी जिन्होंने मुझे शॉर्ट नोटिस में बुलाया, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि एक अच्छे आदमी की अच्छी मदद हो रही है और आप सबके जरिए ये बुक काफ़ी पॉपुलर हो, काफ़ी लोग पढ़ें, नॉलेज हासिल करें। अली भाई, अब अली से हाजी हाजी हो गए आज करके आए अभी में, अब पहले के जीवन में और आपके जीवन में कितना बदलाव आया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार का रहा सहज कर रहे हैं? नहीं, हाजी नहीं, उमरा करने गए थे एक्चुअली। ये पूरा जो सिस्टम था 20 दिन का था मक्का मदीना का, और मैं समझता हूँ कि इस्लाम में मुसलमान के लिए ज़रूरी होता है कि ज़िंदगी में एक बार कम से कम हज उमरा करना चाहिए, और मक्का और मदीना में मेरी हाज़िरी हुई, रमज़ान के महीने में गया था मैं, पिछले हफ्ते आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। और एक ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने फिल्मों में काम किया, बच्चों की शादियाँ की, लेकिन ये अधूरा था जो उमरा हो गया, और बहुत ज़िंदगी जो एक स्थिर हो गई, एक ठहराव आ गया इस ज़िंदगी में। और मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को इस्लाम में जो लोग हैं उनको ऐसे मुकद्दस जगह पे जाना चाहिए, मालिक ने जिसको नवाजा है उनको ज़रूर एक बार हज उमरा करना चाहिए। बिल्कुल, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, ऑनलाइन पे भी है, लाइब्रेरीज में भी मिलेगी आपको, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ डिपार्टमेंट स्टोर्स में भी। इंग्लिश वाला वर्जन में क्या मतलब, समझा नहीं आपका सवाल। उसके अलावा इसमें सिनेमा का इतिहास भी है कि हमने सिनेमा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था और आज हम कहाँ हैं, टोटल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा के अलावा इंडियन सिनेमा के तहत कितनी रीजनल सिनेमाज हैं उनका भी इतिहास है। बहुत जल्दी डिजिटलाइज, बुक विल बी डिजिटलाइज। और मेरी आशा सफल होगी। पिछली बार जब मैं इनकी पहली पुस्तक जो इंग्लिश में थी वो मैंने देखा जाना, लेकिन मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट किया मैंने एक सजेशन दिया कि ठीक है इंग्लिश सबको, इंग्लिश के प्रति एक कमजोरी है हमारे यहाँ, अंग्रेजी की भी किताब हो या अंग्रेजी तो हम थोड़ा ज़्यादा ही महत्व देते, लेकिन मैंने कहा अगर आप ये पुस्तक हिंदी में छापेंगे तो सभी लोग पढ़ेंगे और सबके मन में इच्छा होगी कि हम भी प्रोड्यूसर बने या डायरेक्टर बने या इसमें जितने सारी विधा है सब में हम भी अपना आजमाइश, और उसमें उनको इतना ज़्यादा ज्ञान और नॉलेज मिलेगा कि वो करेंगे। हो सकता है मैं भी डायरेक्शन के क्षेत्र में चली जाऊँ इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और देखने के बाद। और एक बात और कहूँगी कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फिल्म इंडस्ट्री में, टॉप टू बॉटम डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है, जाना है, लेकिन इस आदमी ने जो लिखा है वन मैन शो है। एक आदमी इतना ज़्यादा बुद्धिजीवी हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, ये मैं सोच नहीं सकती। समझ पाऊंगा और इस किताब
किताब के बारे में मुझसे पहले लोगों ने इतना कुछ बता दिया है कि अब इस किताब की महिमा का वर्णन करना मैं क्या करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रमोद जी का आभारी हूं जिन्होंने मुझे यहां पर बुलाया और इतनी अच्छी नॉलेजियस पुस्तक से मेरा परिचय कराया। मैं अनुग्रहित हूं सेनापति जी का जिन्होंने की इतनी अच्छी किताब लिखी और प्रमोद जी का जिन्होंने इस अच्छी किताब से मेरा परिचय कराया। देखिए मुझे जो नजर आया इस बुक में, सबसे बड़ी बात यह है आने वाले स्ट्रगलर्स के लिए, आने वाले मेकर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब के लिए इस किताब ने स्ट्रगल बहुत कम कर दिया है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था इस इंडस्ट्री में जिसमें कि नए आने वाले लोगों को पढ़ा लिखा मालूम पड़े कि भाई ये इस तरह से फिल्म लाइन में ऐसे काम होता है। लेकिन इस किताब में सब कुछ वही दिया हुआ है कि आप अगर फिल्म लाइन में कुछ भी बनना चाहते हैं, चाहे पिलाने वाले से लेके और फिल्म के निर्माता तक, सब चीज इसमें दी गई है। तो जो आने वाले लोग उनका स्ट्रगल बहुत कम हो गया है। जैसे मैं 45 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे आगे पूरा अनुभव है, लेकिन फिर भी जब मैं इस किताब को पढ़ूंगा तो मुझे और भी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं उदय सेनापति जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे फिल्म निर्माण में एक अच्छी बुक लॉन्च की है। इससे 100% सबको फायदा होगा विदाउट फेल। और मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इस किताब को सब लोग पढ़ें, पूरी फिल्म इंडस्ट्री पढ़े, तो ही प्रमोशन का मजा आएगा। और इस सिने निर्माण बुक को पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं आदमी कुछ सीखेगा, विदाउट फेल सीखेगा, क्योंकि हर आदमी हर डिपार्टमेंट की बात नहीं जानता है। जैसे मैं एक्टर हूँ, मुझे कैमरे की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे आर्ट डायरेक्शन की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे बहुत सी चीजें नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक्टर हूँ 45 साल से। इसलिए हर डिपार्टमेंट की नॉलेज एक आदमी अकेले में एक कर सकता है, इससे ये फायदा होगा। और ऐसे पहले कोई किताब नहीं थी हमारे हिंदुस्तान में। इसके लिए उदय सेनापति जी को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मोहन सोलंकी, मैं आया हूँ अहमदाबाद, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड जीनियस फाउंडेशन। आज उन्होंने जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर ये हिंदी बुक लॉन्च की है, इसके पहले उन्होंने इंग्लिश बुक जो लॉन्च की थी उसको हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में नेशनल रिकॉर्ड हमने उनको प्रमाणित किया है, क्योंकि ये फर्स्ट एवर बुक है इंडिया में। और 23 चैप्टर्स के अंदर फिल्म इतिहास से लेके उनकी रिलीज तक इंक्लूडिंग बजट पूरी हमारी टीम ने चेक किया है, उनके सब्जेक्ट चेक किए और पूरा इन डेप्थ नॉलेज लेने के बाद हमने उनको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया में नया नेशनल रिकॉर्ड में उनको सम्मानित किया है।